तो बच्चों आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ कॉनिक सेक्शन, और ये चैप्टर नंबर 11 है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कॉनिक सेक्शंस। हमारे पास एक कॉन होगा, उसके हमने डिफरेंट सेक्शन बनाने हैं और वहाँ से हमें डिफरेंट टाइप्स की शेप्स मिलेगी। ठीक है जी, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रही है जिसमें दो कोन बने हुए, एक अपर पार्ट में एक लोअर पार्ट में, कि जैसे आप प्रीवियस क्लास में पढ़ते आ रहे हो। तो ये जो कोन दो बने हैं, बने कैसे हैं, मेरे पास एक लाइन है L, ये रेड वाली लाइन है, और एक ये ब्लू लाइन है। इस ब्लू लाइन जो है, इस रेड लाइन जो इसकी एक्सिस है, उसके साथ बना रही एक अल्फा एंगल, और ये एक पॉइंट है, यहाँ पे फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से मैं रोटेट कर रहा हूँ ऐसे करके, एंगल मेरा कांस्टेंट रह रहा अल्फा, और जैसे मैं रोटेट करके वापस यहाँ पे आता हूँ तो मुझे ये इस प्रकार का एक कोण मिलता है, जो जिसे हम बोलते हैं डबल नैप राइट सर्कुलर कोण, मतलब इसमें दो कोण बन गए। ठीक है जी, तो इस कोण की ये जो रेड लाइन है, ये बन गई एक्सिस, और जिस लाइन को आपने रोटेट किया दैट इज जनरेटर, और ये एंगल अल्फा आपका फिक्स है। तो इस प्रकार ये आपके पास डबल नैप कोण जो है बन गया। ये जो अपर पार्ट है इसे हम बोलेंगे अपर नैप, और ये लोअर में जो यहाँ पे आ रहा है ये लोअर नैप, और यहाँ पे आपने जिस पॉइंट से आपने रोटेट किया था, फिक्स पॉइंट था वो इनका क्या है, वर्टेक्स। वो क्या है, वर्टेक्स। तो इस प्रकार हम यहाँ डबल नैप कोण की बात कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो डबल नैप कोण है, इसके हमने सेक्शन बनाने हैं, जैसे कि यहाँ लिखा सेक्शन ऑफ ए कोण। अब इनके डिफरेंट सेक्शन बनाएंगे। अब सेक्शन कैसे बनाने हैं कि हम एक प्लेन लेंगे, उस प्लेन से इसके सेक्शन करेंगे, मतलब इसको काटेंगे डिफरेंट एंगल पे, तो हम देखेंगे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हमें शेप्स मिलेगी। यहाँ देखें, सबसे पहले यहाँ पे एक प्लेन है मेरे पास, ये जो मैंने यहाँ पे येलो कलर का, ये एक प्लेन है। ठीक है, इस प्रकार का कोई प्लेन है, तो इस प्लेन को आपने, ये डबल नैप कोन है, इसको आपने काटना है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये है, तो सेम यही, तो हम क्या करेंगे कि इसे, इसको हमने इस प्लेन से कट करना है। ठीक है, तो कट करने पर हमने क्या करना है कि जैसे मैं कट करता हूँ तो ये जो प्लेन है, ये जो एक्सिस है, इसके साथ एक एंगल बनाती है जिसे हम अल्फा का नाम, बीटा का नाम दे रहे हैं। जैसे ये प्लेन है, जैसे प्लेन इसे कट करेगा तो ये प्लेन इस एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा, मतलब किस एंगल पर आप काट रहे हो, उस एंगल को हमने क्या नाम दे दिया हुआ, बीटा। अब क्या कह रहा है कि अगर बीटा आपका 90 डिग्री है, और जब आपका प्लेन ऐसे है इस एक्सिस के ऐसे, तो ये 90 डिग्री बन गया। तो ये जो प्लेन का और ये इस एक्सिस का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो जैसे काटने पर हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल। सेकंड, अगर आपके पास जो प्लेन जिस काट रहे हो आप, उस प्लेन का जो एंगल है वो अल्फा से ग्रेटर है बट 90 डिग्री से कम है, तो हमें क्या मिलेगा, एक एलिप्स मिलेगा। और इफ अल्फा एंड बीटा आर सेम, जितना एंगल अल्फा है उतना ही एंगल यहां पे अगर बीटा है काटते वक्त इस प्लेन का और इस एक्सिस के साथ, तो हमें क्या मिलेगा। और फोर्थ कंडीशन है कि अगर आपका बीटा जो है वो जीरो या जीरो से ग्रेटर हो बट लेस देन अल्फा हो, इस एंगल से कम हो, तो हमें क्या मिलेगा, हाइपरबोला। तो अब हम वन बाई वन चेक करेंगे कि क्या ऐसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली कंडीशन जब मैंने बात की कि बीटा 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री का मीनिंग क्या है कि ये जो प्लेन है, इस अपर नैप, हम अपर नैप की बात करें, चाहे लोअर भी कर लो अपर कर लो, तो यहाँ अपर नैप पे मैं इसको कट कर रहा हूँ। तो मैंने कट करना है इस प्रकार कि मैं इस प्लेन का एंगल इस एक्सिस का 90 डिग्री रखूँगा, तो जैसे मैं 90 रखूँगा तो मुझे क्या मिलता है, एक
सर्कल मिलता है। ये देखिए, ये मेरे पास एक कोन है जैसे यहाँ पे है, तो मैं इस कोन को कट कर रहा हूँ इस प्लेन से, और ये इसका जो टिप है ये एक्स एक्सिस, इसकी एक्सिस, तो मैं ठीक इसके परपेंडिकुलर रख रहा हूँ। जैसे मैं इसके परपेंडिकुलर ऐसे करके कट करूँगा, तो मैंने कट कर दिया तो मुझे क्या मिला, एक सर्कल मिला। यहाँ पे देखो ये सर्कल मिला हुआ। सेकंड, नेक्स्ट हमने बात की कि जब आपका एंगल जो बीटा है, मतलब जो प्लेन का जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, अगर वो अल्फा से ग्रेटर है बट 90 से कम है, तो हमें क्या मिलेगा, एलिप्स मिलेगा। यहाँ पे देखो ये बीटा जो है ये अल्फा से ग्रेटर है बट 90 से कम है, तो जैसे मैं इसे कट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक एलिप्स। यहाँ पे देखें, ये मेरे पास अब मेरा प्लेन जो है वो अब ऐसे करके लिया हमने, तो अब जिस इस पोजीशन में क्या है कि ये जो एंगल बना रहा है इस एक्सिस के साथ ये प्लेन, वो क्या है, बीटा है, वो अल्फा से ग्रेटर है बट 90 से, तो जैसे मैं ऐसे कट करता हूँ तो मुझे मिलता है एक एलिप्स। ये देखिए ये किसकी शेप है, एलिप्स की शेप है, ठीक है। चलिए थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है कि जब अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होंगे, ये जो अल्फा एंगल है, और जब मैं इस अपर नैप को इस प्लेन से कट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एंगल बने वो ये दोनों सेम हों, अगर ऐसा होता है तो मुझे क्या मिलता है, एक पैराबोला मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, अब मैंने इसे मैं कट कर रहा हूँ, तो जब मैं कट कर रहा हूँ तो मेरा जो एंगल, ये इसके साथ जो एंगल बन रहा है ऐसे करके एंगल बन रहा है, वो क्या बन रहा है, अल्फा और बीटा के दोनों अल्फा और बीटा सेम है, तो मुझे कट करने पर ऐसा एक शेप मिलेगा जिस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऐसे करके आपको शेप मिलेगी पैराबोला। और नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट जो केस था वो क्या था कि जब बीटा, बीटा क्या है, यहाँ पे जो प्लेन जो है इस एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, दैट इज़ बीटा। अब कहता है कि बीटा या तो ज़ीरो हो या ज़ीरो से ग्रेटर बट लेस देन अल्फा। इसका क्या मीनिंग है कि जब प्लेन इस नैप को कट करेगा, लेकिन कट किसे करेगा, दोनों नैप्स को, साइमल्टेनियसली दोनों नैप को ये कट करेगा, ना कि एक को। तो ये प्लेन जैसे ऐसे में कट करूँगा, तो सीधा जब प्लेन जब इस दोनों नैप को कट करेगा तो मुझे एक यहाँ पे शेप मिलेगी, एक यहाँ पे शेप मिलेगी। इस शेप्स को क्या बोलते हैं हम, हाइपरबोला। या तो बीटा जीरो से थोड़ा सा बड़ा, मतलब जो एक्स एक्सिस है, ध्यान दो ये एक्स एक्सिस है, इससे थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पे देखो बड़ा है ये बीटा आपका, और ये अल्फा, अल्फा से कम है बट जीरो से ज़्यादा, देखो ये जीरो से थोड़ा ज़्यादा ना, तो हमें क्या दिया उसने, हाइपरबोला। बट उसने कहा कि अगर बीटा ज़ीरो हो, बीटा ज़ीरो का मीनिंग क्या है कि इस एक्सिस से पैरेलल अगर प्लेन आए, इस एक्सिस के पैरेलल भी प्लेन आप रख के इसको काटेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, हाइपरबोला, ठीक है जी। तो इस प्रकार आपको डिफरेंट शेप जो मिल जाएंगी, अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये हैं तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसे पकड़ो आगे, अब जैसे ये है तो हमारे पास ये है ना ऐसे, अब जब हमने इसको कट किया प्लेन से ऐसे करके, यहाँ ये प्लेन है, प्लेन इस एक्सिस के साथ या तो पैरेलल होगा, दैट इज एंगल ज़ीरो, और या थोड़ा सा ऐसे करके, तब भी ये दोनों को जब हम कटेंगे तो हमारे पास जो है इस प्रकार की शेप बन जाएगी। बनाओ जरा, मेरे पास इस प्रकार की शेप जो है आपको मिल जाएगी, और ये क्या है, हाइपरबोला, ठीक है। एक ऊपर कट गया, एक
नीचे का टेस्ट, ठीक है, थैंक यू। तो इस प्रकार आप जो है मतलब डिफरेंट टाइप्स के शेप्स आपको मिल जाएगी जब हम किसी कोन के सेक्शन करते हैं। तो सेक्शन करने पर हमें किस चीज़ का ध्यान रखना था कि जो प्लेन जो है जो कट कर रहा है कोन को किस एंगल पे कर रहा है, वो एंगल बीटा है, वो डिपेंड कर रहा है कि जो अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल का जो जनरेटर है एक्स एक्सिस एंगल बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली है। अगर उसके क्या है बराबर है तो हमें क्या मिल रहा है पैराबोला, अगर 90 डिग्री पे है तो हमें क्या मिल रहा है सर्कल मिल रहा है, अगर वो अल्फा से क्या है जो बीटा जो है वो अल्फा से ग्रेटर है बट 90 से कम है तो हमें क्या मिल रहा है अल्फा से ग्रेटर बट 90 से कम है तो हमें एलिप्स मिलता है। और अगर हमारे पास जो एंगल है या तो वो एक्सिस के जो एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कोई प्लेन रख के काटें तब भी आपको हाइपरबोला मिलता है, अगर आप वो जीरो से थोड़ा सा ग्रेटर भी लेते हैं थोड़ा सा एंगल बनाता है तब भी वो हमें हाइपरबोला देता है, ठीक है जी। तो इस प्रकार आप जो है ये सेक्शन जो है कर सकते हो और आपको डिफरेंट शेप जो है मिल जाएंगी। अब हम किसी एक और मेथड है जिससे हम इसे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पे 3D में आपको समझ आएगा कि हम कैसे सेक्शन करते हैं और आपको डिफरेंट शेप्स कैसे मिलती हैं। तो ये जियोजेब्रा का एप्लेट्स है, उसकी हेल्प से जो है हम जो है यहाँ देखेंगे कि जैसे हमने अभी स्लाइड में पढ़ा है आप यहाँ देखेंगे ठीक वैसे ही यहाँ पे 3D में आपको ये दिखेगा कि कैसे किसी कोन को हम जब सेक्शन करते हैं तो किस एंगल पे प्लेन कटता और हमें क्या शेप्स मिलती है। यहाँ देखिए, ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे डिफरेंट एंगल पे कट कर रहा है प्लेन, ये जो पिंक कलर का प्लेन है और ये आपको यहाँ पे डबल नैप कोन है, तो ये आपको डिफरेंट शेप्स देखो राइट हैंड साइड पर मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे इसको रोक कर देखता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि जब प्लेन जो है वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो हमें क्या मिलेगा एक सर्कल, तो वहाँ पे देखो हमें सर्कल मिल रहा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें ये देखो यहाँ पे ये सर्कल है ब्लू कलर का, आप यहाँ पे अगर शेड ध्यान दें तो ब्लू कलर का यहाँ पे कट मिल रहा है आपको डॉटर लाइन, तो ये सर्कल बन रहा और वो चीज़ बन रही है। फिर हमने बात की थी कि जस्ट थोड़ा सा अगर हम वो जो प्लेन है वो अल्फा से ग्रेटर उसका एंगल हो और 90 से कम है तो हमें जो शेप मिलेगी वो मिलेगी एलिप्स। और यहाँ पे भी देखो ये देखो एलिप्स मिल रहा हमें। और थर्ड कंडीशन थी हमारे पास कि अल्फा और बीटा सेम, ये जो प्लेन है ये प्लेन का पॉइंट है, ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल और यहाँ पे ये जो जनरेटर है ये वाला जनरेटर है, तो इस एक्सिस का जो एंगल बन रहा है अल्फा, यहाँ पे ये अल्फा और यहाँ पे ये प्लेन का अगर पॉइंट मिड पॉइंट ले तो यहाँ पे बीटा, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। जब दोनों सेम एंगल हैं अल्फा और बीटा तो हमें क्या मिल रहा है का हमें क्या मिल रहा है का पैराबोला मिल रहा है, ठीक है। और जब प्लेन दोनों नैप को काट रहा है अपर नैप को और लोअर नैप को भी, तो यहाँ पे देखो ये कट कर रहा है, ये देखो यहाँ पे शेप, ये एक पैराबोला है एक ये पैराबोला, तो दोनों पैराबोलों के सामने से हम क्या बोलते हैं हाइपरबोला, ठीक है। तो एक बार आप फिर से देख लो यहाँ शेप्स आपको मिल रही है, तो यहाँ से आप अच्छी तरह विजुलाइज कर सकते हैं ये हाइपरबोला, ये एक सर्कल, ये एलिप्स, ये थोड़ा सा बैक चलना था, चलिए थोड़ा फास्ट चलता ना, ये हाइपरबोला
पैराबोला कहाँ गया? बड़ा फास्ट चल रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है। हाँ तो ये क्या है? पैराबोला। तो थोड़ा फास्ट चलता है, एकदम चलता है। तो इस प्रकार जो है आपने देखा कि हमने दोनों तरीके से चेक कर लिया कि हमारा जो कोन है उसके हम डिफरेंट सेक्शन जब करते हैं तो हमें क्या क्या जो शेप्स मिलती हैं। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे फिर इनके ऊपर हमें प्रॉब्लम्स मिलेंगी, उनको हम कैसे सॉल्व करना है, उनकी इक्वेशंस होगी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है जी।